शादी का झांसा देख के उसके साथ सहवश किया गया था, और बाद में जब शादी की बात आई थी वो लड़का भाग निकला था। होटल में मेरे को लेकर गया था, वो मेरे को बोला था अपन शादी करेंगे, तो मैं बोली ठीक है। तो फिर उसके बाद में लास्ट टाइम पे उसने अभी ये मेरे को बोला अभी मुझे बात नहीं करनी है। तो मैंने बहुत कोशिश की, उसको बहुत फ़ोन किया तो उसका फ़ोन बंद आ रहा था, तो बात तो हुई ही नहीं। फिर बाद में उसके घर वाले को भी बोले तो उसके घर वाले माने नहीं, घर पर बुलाए तो कोई आया भी नहीं। इसकी वजह से फिर ये लोग रात में रूम खाली करके लोग भाग गए यहाँ से। फिर उसके बाद मैंने जाके पुलिस चौकी में जाकर कंप्लेंट कर दिया तो केस हो गया। तो उसको लड़के को पकड़ के लेकर आए, लड़के को पकड़ के लेकर आए तो अभी वो लोग बोल रहे हैं शादी करने के लिए। दोनों परिवार अभी तैयार है, तो मैं भी शादी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरा भी पूरे गाँव में मेरी इज्जत चली गई, मेरे नाम पूरी बदनामी हो गई इसकी वजह से। शादी करके ले लो लड़की का, लड़का का ऐसा हो गया। बोलो तो बोले क्या बोला, तू जो करना हो तो वो करो, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लड़की मरे तो अपन चलेगा। इसकी जो गलती हुई तो हुई, अब मैं दोनों शादी करने के राजी हैं, दोनों परिवार। ये मैसेज मैं ये देना चाहती हूँ कि आप अगर वादा करके किसी के शरीर का शोषण करते हो शादी का झांसा देके, तो अब शादी ही करो, नहीं तो आपको ये दिन देखना ही तय है। इसमें अगर इस टाइप का लव अफेयर का अगर कपल रहेगा तो ये एक बेस्ट तरीका है, और ये अगर निपटारा किया तो कोर्ट जो भी कितने मैटर पेंडिंग है वो मैटर का थोड़ा निपटारा जल्दी हो जाएगा, और बच्चे लोगों का जो भी विक्टिम का और लड़के का लाइफ जो भी है डिस्ट्रॉय होने से भी बचेगा। तो ये बेस्ट वे है, और इसके ऊपर पब्लिक ने भी थोड़ा सा पॉजिटिव विचार करना चाहिए। पूर्णिमा जी, क्या मामला था और किस तरह से आपने इसको सॉल्व किया? ये मैटर 4 तारीख को, ये जो नेक्स्ट 4 तारीख है, ये 4 तारीख को मेरे पास 7:30 बजे शाम को एक फ़ोन आया एक लड़की का, बहुत रोती बिलखती रहती थी फ़ोन पे, तो मैं पूरा सुना भी नहीं, तो आधा सुन के मैं उस लड़की के पास पहुंची। शादी का झांसा देख के उसके साथ सहवश किया गया था, और बाद में जब शादी की बात आई थी वो लड़का भाग निकला था, ऐसा मैसेज मेरे पास जब आया तो मैं लड़की को बोला आप जो भी बात है मौखिक नहीं आप लिख के दो। तो उन्होंने लिख के दिया, लिख के देने के बाद मैं उनको ताबड़तोड़ उसी टाइम प्रशासन के पास लेके गई, और कार्रवाई हुई। कार्रवाई के तहत 376 कलम दर्ज हुआ, और 6 दिन के अंदर ही प्रशासन ने उनको, जो आरोपी है, आरोपी को धर दबोचा। बट उसके बाद बात ऐसा आया लड़की के तरफ से कि अगर शादी का वादा करके उसने जैसे सहवश किया, अगर वो शादी करता है, क्योंकि बहुत आगे जीवन पड़ी है और मैं सर्वस्व उसको दे चुका हूँ, मतलब ऐसे लड़की का कहना था, तो मैं थोड़ा सा इसमें जो केस है इसमें मैं थोड़ा सा सोच सकती हूँ। तो मैं बोला अगर ठीक है, अगर शादी होता है, क्योंकि वादा करके तो उसने सहवश किया शादी का ही वादा करके, तो यहाँ पे भी मैं एक तरफ से सोचा कि चलो इतना बलात्कार का केस दर्ज हो रहा है, इतना बलात्कार जैसे संगीन गुनाह बढ़ते ही जा रहा है, तो अगर ये शादी करते हैं तो कहीं ना कहीं पे दो जीवन मुझे लगते हैं आगे जाके अच्छे से चलेंगे। तो ये सोच के, समाज के तौर पे ये सोचा। तो उसके बाद जब मैं दोनों परिवार को बुलाई, दोनों परिवार देखा हंसी खुशी इसमें सहमति दी, तो फिर उसके बाद हम लोग ये प्रोसेस को फिर आगे लेके जा रहे हैं शादी का। मतलब ये मैसेज मैं ये देना चाहती हूँ कि आप अगर वादा करके किसी के शरीर का शोषण करते हो शादी का झांसा देके, तो अब शादी ही करो, नहीं तो आपको ये दिन देखना ही तय है। ये मेरा मैसेज है। और जय भी महिला संस्था बलात्कार जैसे शब्द के ऊपर, बलात्कार जैसे कलम के ऊपर बहुत कठोर से काम करते हैं, 2 साल से हर कोई देख रहा है। अगर आप झांसा देके बलात्कार करते हो तो आप बच नहीं सकते हो। जो वादा करके जो सहवास किया है तो उसके लिए तो शादी है उसका सबसे बड़ा रीज़न है। जो ये ऐसा घटना हो रहा है इस समाज में, तो उसको फुल स्टॉप करने के लिए जेबे महिला संस्था हमारी आगे आई है और मरते दम तक ये काम करते रहे। क्या नाम है आपका? क्या परिचय? मैं चंद्रकांत निकाजे हूँ, और मेरा जो जेबे महिला संस्था का मैं प्रमुख सलाहकार हूँ। लीगली प्रोसीजर है कोर्ट में, जो भी मैटर कॉम्प्रोमाइज तौर पर वो चला के लीगली जो भी फॉर्मेलिटीज़ कोर्ट में कम्प्लीट करके वो मैटर जल्दी से जल्दी निपटारा हो सकता है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ बोलेंगे। जल्दी से 1 या 2 डेट में अपन कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि 376 में कंप्लेनेंट विक्टिम ही मेन विटनेस रहती है, तो उसका अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दिया कोर्ट ने तो तुरंत कॉम्प्रोमाइज़ के हिसाब से जस्ट लाइक अ होस्टाइल हो जाएगा। अगर दोनों साथ में मैरिज करने के लिए रेडी है तो ये कॉम्प्रोमाइज़ करके कोर्ट का निपटारा फटाफट हो जाएगा, और ऐसे मैटर करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है एज एन एडवोकेट करके। लेकिन पहली बात तो 376 में बहुत सारे डिफरेंट मैटर रहते हैं कि कहीं ये तो लड़का लड़की का अफेयर के बारे में हो गया, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ का पॉसिबल है। मैंने बहुत सारे मैटर ऐसे चलाए,
अपने सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट बॉम्बे में बहुत सारे मैटर चला के, ऐसे मैटर में मैरिज के और इसके बंधन में जो भी अगर दोनों रेडी है तो बहुत सारे हॉनरेबल कोर्ट्स ने भी डिसीजन दिया है, लेकिन लीगली प्रोसीजर है फॉलो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जो विक्टिम, अगर ये लड़का लड़की का है तो ठीक है, इसके लिए बेटर है, लेकिन अगर किसी अननोन लेडीज़ या किसी विक्टिम के ऊपर अगर अन्याय होता है उस टाइम पे कॉम्प्रोमाइज़ का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होता है, लेकिन उस टाइम उस आरोपी को, वो ऑफेंडर को कड़ी से फांसी की सज़ा होना चाहिए, ये तो मेरा ओपिनियन है। लेकिन ऐसे मैटर में कोर्ट से परमिशन लेके लीगल प्रोसीजर फॉलो करके जल्दी से जल्दी निपटारा करना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है। दोनों का फ्यूचर भी सेव हो जाएगा और बदनामी भी नहीं होगा, तो ये बेटर एंड बेस्ट वे है कि कॉम्प्रोमाइज़ करके मैटर निपटारा करें और दोनों आगे से फ्यूचर में मैरिज करके हैप्पीली मैरिड साथ में रहे, ये मेरा ओपिनियन है। अगर एक क्वेश्चन करूँ कि 376 में मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट क्या है, कि मतलब कितना, और अगर कोई 376 के मामले में अगर कोई समझिए गिरफ्तार होता है तो क्या उसकी जमानत जल्द मिल पाती है? नहीं, उसमें ये बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सीरियस ऑफेंस है, इसमें बेल तो मिलना ही नहीं चाहिए, मिलेगी भी नहीं। और दूसरी बात ऐसा है कि लव अफेयर दोनों का, लड़का लड़की का, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा कंसेंट आ जाता है, तो बहुत सारे इसके ऊपर अपने हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट्स है, उसी के बेस पे टेक्निकल ग्राउंड पे कभी कभी बेल मिल सकता है, लेकिन इतना जल्दी बेल मिलता नहीं। और बेल का हॉनरेबल कोर्ट को डिस्क्रिशनरी पावर है, तो ये टेक्निकल ग्राउंड पे अगर किधर ना कहीं ना कहीं अगर विक्टिम का कंसेंट अगर लगता है तो हॉनरेबल कोर्ट ज़्यादातर बेल ग्रांट करते हैं, अगर इसका प्रीवियस रिकॉर्ड अगर क्रिमिनल नहीं है आरोपी का, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। और दूसरी बात, इसमें ऐसा है 376 बहुत सीरियस ऑफेंस है, इसमें कैपिटल पनिशमेंट हो सकता है, कैपिटल बोले तो फांसी की सज़ा होती है, लेकिन मोस्टली ऐसे लव अफेयर के इसमें 12 इयर्स या लाइफ कन्विक्ट ऐसा भी हॉनरेबल कोर्ट सज़ा देता है। तो ये आज तक का मेरा 20 साल का जो एक्सपीरियंस है, तो हर एक केस के ऊपर, डिफरेंट टाइप के केस के ऊपर, डिफरेंट रोल के ऊपर कोर्ट की सज़ा सुनाने की जो प्रोसीजर है वो डिफरेंट है। बहुत अच्छा कहा इन्होंने कि कई ऐसे मामले हैं जिसमें इस तरह के केसेस ऑफेंस तो रजिस्टर हुए हैं, लेकिन जो मैं आपको बताता हूँ कि बेस यही रहता है कि शादी का झांसा दे करके रिलेशंस बनाना। तो अगर ऐसे कुछ केसेस हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं ये मुझे भी पता है, तो इसमें आप जो है इस तरह से एक मतलब कि नहीं कि आपसी कंप्रोमाइज करके, बातचीत करके, फिर से जो है एक रिलेशंस को अच्छा करके, अगर एक लड़की की ज़िंदगी बचती है, बनती है, एक लड़के का, लड़के को जो है कैद से निकल करके उसको अपनी ज़िंदगी सुधारने का और साथ में शादी करके साथ में रहने का मौका मिलता है, तो इसमें समाज और कोर्ट और कानून भी आपको कहीं ना कहीं कंसीडर करता है। लेकिन जो सीरियस ऑफेंस होते हैं उसमें कानून और कोर्ट कभी भी आपको बिल्कुल भी जो है उसमें आपको कंसीडर नहीं करेगा, चाहे आप कुछ भी हो उसमें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। जैसा इन्होंने बताया कि इस तरह के मामले में जो है 10 साल 12 साल तक की सज़ा जो है अगर लव अफेयर से तो उसमें होता है, अगर उसमें आपका हो गया है तो, और अगर आपने सीरियस ऑफेंस किया है तो आपको फांसी तक की सज़ा। और ऐसे आपने देखा होगा कि निर्भया केसेस में जो है, चूँकि वो ब्रूटल रेप था, रेप केस था, तो उसमें उसको फांसी की सज़ा मिली, कई लोगों को लाइफ इम्प्रिजमेंट मिली। तो इस तरह के 376 के इस तरह के मामले, लव अफेयर्स के मामले ज़्यादा आते हैं और इसमें कई ऐसे गुनाह जो है दर्ज हैं। तो इसमें मैं समाज के लोगों को भी बोलूँगा कि आप भी सामने आएँ, उन पेरेंट्स को भी बोलूँगा जिनके बच्चों ने अगर इस तरह की गलती की है तो उसको सुधारने का मौका है कि आपस में बातचीत करके अगर उनकी शादी कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं कोर्ट का, कचहरी का, पुलिस का भी बर्डन कम होगा और समाज में जो लड़की मतलब जिस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है उसको भी जीने का सम्मान से मौका मिलेगा। तो दोस्तों, हमने सोचा कि इसके जो कानूनी पहलू है उसके बारे में एडवोकेट हटकर जी से बात करूं। कोशिश करें कि अगर आपके आसपास भी अगर इस तरह की कोई घटना घटी है और आपसी समझौते से, आपसी बातचीत से, आपसी तालमेल से अगर ये मामला
सुलझ जाता है, लड़के लड़की को अपनी गलती का एहसास होता है और दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। तो इससे बेहतर और कुछ नहीं होता है, क्योंकि जेल की ज़िंदगी बहुत ही कठिन होती है, कहीं ना कहीं लड़के की ज़िंदगी बर्बाद होती है और अगर आपने गुनाह किया है तो उसकी सज़ा आपको भुगतनी पड़ेगी। अंत में इतना ही कहूँगा कि आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।